Welcome to my YouTube channel. In this video, we are doing a question number 4, exercise 14.3. The length of 40 leaves of a plant are measured correct to 1 millimeter and the obtained data is represented in the following table. क्वेश्चन में क्या है कि एक प्लांट है उसमें उसकी 40 लीव्स हैं और 40 लीव्स का जो मेजरमेंट है वो मिलीमीटर में लिया है. अब जैसे ये एक टेबल गिवन है, लेंथ इन मिलीमीटर एंड नंबर ऑफ लीव्स. तो इसमें नंबर ऑफ लीव्स यानी कि उस प्लांट की जो 40 लीव्स है उसमें 3 लीव्स ऐसी हैं जिनका कि लेंथ का जो मेजरमेंट है वो 118 to 126 मिलीमीटर है. 5 लीव्स हैं उनका मेजरमेंट कितना आया, 127 to 135 मिलीमीटर. ठीक है, तो ये इस तरीके से ये टेबल गिवन है. अब क्वेश्चन क्या है कि ड्रॉ ए हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डेटा. इसको लेके एक हिस्टोग्राम आपको बनाना है, ड्रॉ करना है. ठीक है, हिंट में क्या दिया है, फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूस. क्लास इंटरवल यानी कि देखो ये 118 to 126 ये फर्स्ट का हुआ. अब ये सेकंड जो शुरू हुआ यहाँ पर ये 127 to 135 है, तो ये कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि यहाँ 126 पर एंड हुआ है और स्टार्ट जो सेकंड वन जो स्टार्ट है वो 127 पर स्टार्ट है. तो यहाँ पर ये ब्रेक आ गया, ये 127 126 और यहाँ ये आया 127. तो एक नंबर का जो ब्रेक आ रहा है, यहाँ पर गैप आ रहा है, इसको गैप को कम्प्लीट करना है. कम्प्लीट क्यों करना है, क्योंकि जो हिस्टोग्राम बनता है ना, वो हिस्टोग्राम कैसे बनता है, सपोज़ करो ये ग्राफ पेपर है, तो अगर एक बार यहाँ पर शुरू हुआ तो जो दूसरा है वो दूसरा इसी लाइन से शुरू होगा. ये जैसे ये दूसरी ये शुरू हुआ, तो अगर यहाँ पर हम ये 0, ये 5, ये 10, ये 15, तो 10 वाली लाइन जो है वो दोनों के लिए कॉमन रहेगी. ठीक है, अगर यहाँ पर 5, 10 और 11 होता तो यहाँ पर ब्रेक आ जाएगा, यहाँ पर ब्रेक यानी कि गैप आ जाएगा. ये गैप नहीं देना हिस्टोग्राम में, तो गैप नहीं होगा. तो मतलब अगर यहाँ पर ये देखिए ये इंटरवल में गैप दे रखा है कितना, 1 यूनिट का, तो ये गैप नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूस फॉर्म में होना चाहिए. अब कंटिन्यूस फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखो किसका, ये जो फर्स्ट यूनिट है ये 118 to 126, ये 126 पर एंड हो रही है और दूसरा स्टार्ट हो रही है 127 से. इन दोनों में बीच में गैप कितना है, 127 minus 126 करो कितना आया 1. इस 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए कितना आया 0.5. ठीक है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस डेटा को हमें कंटिन्यूस फॉर्म में लेके आना है. क्या किया, अपर लिमिट और सेकंड वाले की लोअर लिमिट दोनों को सब्सट्रैक्ट किया. ठीक है, 127 minus 126 आंसर आया 1. 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड करने पर आया 0.5. अब इस 0.5 को लोअर लिमिट में सब्सट्रैक्ट कर दो, 118 minus 0.5 क्या आएगा, 117.5, और इसकी अपर लिमिट 126 में इसको ऐड कर दो तो क्या आएगा, 126.5. ठीक है, अब जो लाइन बनेंगी वो कैसे बनेंगी, 117.5 to 126.5. दूसरा लिया 127 to 135, इसको कैसे लेना है, 127 to 135, तो 127 में आप अगेन माइनस कर दो 0.5, तो क्या आएगा, 126.5 टू इसमें 135 में ऐड कर दो तो 135.5. तो अब जो टेबल बनेंगी वो इस तरीके से बनेगी कंटिन्यूस फॉर्म में. समझ में आया क्या करना है, जो डेटा गिवन है अगर ये कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सेकेंड वाले की. ठीक है, सॉरी लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट. ठीक है, तो 127 minus 126 डिफरेंस आया 1, उसको 2 से डिवाइड किया 0.5 को लोअर लिमिट में सब्सट्रैक्ट करना है, अपर लिमिट में ऐड करना है, हर किसी इंटरवल में, हर किसी में. ठीक है, अब देखो जरा इसकी एक मैंने दूसरी टेबल बनाई है, उस तरीके से बताती हूँ. 117.5 to 126.5, 126.5 to 135.5, 135.5 to 144.5 लोअर लिमिट में सब्सट्रैक्ट करो, अपर लिमिट में ऐड करो, फिर नंबर ऑफ लीव्स लिख दिया, टोटल कर दिया, ये हमारी टेबल आ गई. ठीक है, अब ये कंटिन्यूस फॉर्म में क्यों, क्योंकि ये 126.5 तक, देन दूसरी 126.5 से ही स्टार्ट हुई, अब बीच में कोई भी गैप नहीं है. ठीक है, यहाँ देखो
ये जिस पर एंड हुआ उसी से शुरू हो गया, सेम, ठीक है। अब ये कंटिन्यूस फॉर्म में है। अब इसको लेके हमें हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम कैसे बनेगा? डेटा लेना है, नंबर ऑफ लीव्स, इसको लिया वाई एक्सिस पर, लास्ट नंबर है 12, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक ले लिया। अब यहाँ पर 117.5 to 126.5 है, तो डेटा कैसे लेंगे? जिगजैग लाइन बनाइए और अब यहाँ पर नंबरिंग करिए। 117.5, 126.5, तो मैंने पहले ही मार्क कर दिए, 117.5, 126.5, देन 135, देन 144, देन 153 अप टू 180.5 तक ले गए, ठीक है। अब इसको लेके हमें हिस्टोग्राम बनाना है। पहला है 117.5 to 126.5 और उसमें कितनी लीव्स हैं? 3, तो यहाँ तक जाएंगे ये। ये बना दी इसका फर्स्ट का, ये 3 यूनिट तक बन गया फर्स्ट। अब 126.5 to 135.5 पर है 5, तो यहीं इसी लाइन पर आपको कंटिन्यूस करना है 5, तो इस लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे लाइक दैट, और ये आ गया सेकंड वाले का 126.5 to 135.5 वाले का। नेक्स्ट है 135.5 to 144.5 और है 9 तक, तो इसी पर इसको, अब इस वाली लाइन को कंटिन्यू करेंगे कहाँ तक? 9 तक, और इस तरीके से ये अपना हिस्टोग्राम बनता जा रहा है, ठीक है ये। अब नेक्स्ट है इसमें 12, 144.5 to 153.5, 12, तो अब इसमें 12 देखते हैं, 12 का मार्क यहाँ पर आ रहा है, तो अब इसी लाइन पर कंटिन्यूस करना है, ठीक है। ये आ गया आपका 12 यूनिट। नेक्स्ट दे रखा है 153.5 to 162.5, 5, ये देखो। अब ये 5 कम है, तो यहाँ पर 5 यहीं पर इसी ये लाइन इस तरीके से बनेगी, ठीक है, ये 5। नेक्स्ट है आपका 162.5 to 171.5, 4, तो अब इसमें एक लेस और कर देते हैं, ये होगी 4। नेक्स्ट है 171.5 to 180.5, 2, यानी कि इसमें केवल 2 यूनिट। ये बन गया आपका हिस्टोग्राम। जहाँ एक लाइन फिनिश हुई वहीं से ये कॉमन रहेगी, दूसरी लाइन शुरू हो जाएगी, कंटिन्यूस फॉर्म में रहेगा। ये होता है हिस्टोग्राम बनता है, देखो कैसे बना। अब इसमें क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 का, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा? यस, अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस डेटा इज फ्रिक्वेंसी पॉलीगन। व्हाट इज फ्रिक्वेंसी पॉलीगन? ये नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी, फ्रिक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। नेक्स्ट है, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मीटर mm लॉन्ग? तो देखो 153 mm, ये 145 to 153, लेकिन इसमें तो 12 लीव्स आती हैं, लेकिन सारी लीव्स के 153 mm हैं? नहीं, कुछ लीव्स 146 भी होंगी, 147 भी हो सकती हैं, 148 के भी हो सकती हैं, 149 के भी हो सकती हैं, 152 भी हो सकती हैं, तो ऑल लीव्स इज़ नॉट अ मेज़र 153 mm, ठीक है। सभी लीव्स का जो मेज़रमेंट है वो 153 mm नहीं है। रीज़न क्या दिया? नो, एज मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स हैज़ देयर लेंथ बिटवीन 144.5, यहाँ पर ये चेंज किया था ना हमने, 145 को 144.5 एंड 153 को 153.5, सो अकॉर्डिंग टू दिस, नो एज मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स हैज़ देयर लेंथ बिटवीन 144.5 to 153.5 mm, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल हैव देयर लेंथ हैज 153 mm। So this is the solution of question number 4. If you like this video, please like, share and subscribe my channel.